अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पुलिस ट्रेनिंग में क्या क्या हो रहा है, जैसा कि आपको अपडेट करती रहूँ। आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मुझे बताया गया था कि आज क्या है, मेंटेनेंस डे है, ठीक है। तो मेंटेनेंस डे है, इन्होंने, मुझे लगा कि रनिंग नहीं होगी, आज तो बच गए थोड़ा सा, लेकिन ग्राउंड में गए, सभी बैठे। जैसे ही सभी बैठे, मतलब खड़े होते हैं, उसके बाद बोलते हैं 3-2-1 चलो निकलो रनिंग करो। और उसके बाद वो 1-2-1 या लेफ्ट राइट कुछ नहीं बोलते हैं, सीधा बोलते हैं क्या, 1-2-1-2-1-2-1-2, ठीक है। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, उन्होंने रनिंग करा ली। रनिंग कराने के बाद मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे एक काम सीखा, बताओ क्या। यहाँ पर इन्होंने रेन वाटर, जो रेन वाटर है उसको सेव करके रखा हुआ है, उसी ही से क्या पौधों की सिंचाई कर रहे हैं, उसी से पौधों की सिंचाई भी कर रहे हैं। और आज हमने किया, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं है, थक जाओगे, पर नहीं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सारे काम ही अच्छे होते हैं अगर आप मन से करो ना, कोई थकान नहीं होती। हमारे लिए अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्यों भाई। उसके बाद मुझे तो बहुत मज़ा आया। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, अभी तो हम नहा धो के बैठे हैं, ठीक है। अभी बाहर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है अभी बाहर पे? कोविड टेस्ट हो रहा है, ये कह रही हूँ, कोविड टेस्ट हो रहा है, इसीलिए अभी आवाज़ आई थी कि हाँ भाई तैयार हो जाओ, जूते पहन के, फिर से हमारा कोविड टेस्ट हो रहा है। तो बस अभी देखते हैं, कोविड, बस भगवान जी वैक्सीन ना लगे, क्योंकि मुझे सुई से तो बहुत डर लगता है। सुई से तो बहुत डर लगता है भाई, नहीं हो। और आप सब क्या कमेंट कर रहे थे, खारा पानी, हाँ मैं छिपा रही थी, पिंपल हो रहा है यहाँ पे आके आपके शहर में। और आप सब क्या पूछ रहे थे, मैं पढ़ाती हूँ, हाँ मैं पढ़ाती हूँ, मेरा स्टडी चैनल है, मैं पढ़ाती ही हूँ, मैं एक टीचर ही हूँ, मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चे ही नहीं, मैंने 12th तक के साइंस साइड के भी बच्चे पढ़ाए, उसके बाद फिर मैंने कंपटीशन पढ़ाना शुरू किया, मैं खुद साइंस साइड से हूँ। और आप सब क्या बोल रहे हो कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, कोरोना काल में कोचिंग बंद है, अरे क्या आवश्यकता है। अच्छा आप सुनो, मैं नीचे लिंक दे दूँगी अपनी वीडियो के, मैंने एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू स्टडी एट होम, घर पर पढ़ाई कैसे की जाए, आप उसको समझो। अच्छा मैं आपको समझाऊं कि नहीं भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो आप पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपके अंदर से दिल में नहीं आएगा कि आप पढ़ो, आप नहीं पढ़ सकते हो। बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो, मतलब मुझे मैसेज कर रही हैं, हमें भी पुलिस ज्वाइन करना है, ये वो। कल हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई, जो रात को काउंटिंग होती है ना शाम को, कि कितने बच्चे हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कौन कहाँ पे है, तो काउंटिंग होती है, कौन सी, गणना, अच्छा काउंटिंग को गणना बोलते हैं, ओके। यहाँ पे काफ़ी हिंदी यूज होती है, जैसे विश्राम, सावधान, हमारा तो CBSE था, दिल्ली से मैंने स्टडी की है, तो वहाँ पे तो स्टैंडर्डाइज अटेंशन होता था, यहाँ विश्राम सावधान, अच्छा लग रहा है, बहुत सारे हिंदी के वर्ड्स भी नए सीख रहे हैं। तो हमारे सर ने यही सिखाया कि अब तो बहुत सारी जो गर्ल्स आ रही हैं या बॉयज़ आ रहे हैं, सभी ग्रेजुएट आ रहे हैं और सभी अच्छे, मतलब अच्छी शिक्षा लेकर आ रहे हैं। अब वो टाइम नहीं रहा है कि जब बच्चे 12वीं करके या फिर वैसे ही नॉर्मल आ जाते हैं, हाँ ठीक है। और हमें यहाँ पे सिर्फ क्या सिखाया जा रहा है, इस समय सिर्फ डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, मतलब अनुशासन। अच्छा जब हम छोटी क्लास में थे तो हमारे एक सब्जेक्ट की बुक थी जिसका क्या नाम था, मोरल वैल्यू, मतलब नैतिक शिक्षा। वो जो नैतिक शिक्षा का जो होता है ना, लास्ट में एक वो लिखा रहता था, जैसे ईमानदारी पे है या किसी भी चीज़ पे, वो अगर हम वो सारा ही फॉलो करें, मैं तो ये सोच रही हूँ जितना अच्छा यहाँ पे सिखाते हैं उतना अच्छा अगर हम फॉलो करें, मैं क्या अभी सभी गर्ल्स या फिर इससे पहले वाले बैच या सभी लोग जितने पुलिस विभाग में हैं, अगर सभी अच्छे से अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करें, जितना डिसिप्लिन यहाँ पे सिखाया जाता है एट ट्रेनिंग टाइम, तो फिर हमारे इस पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और जितने गलत काम हैं, जितना बदनाम करते हैं सिस्टम को, वो ना हो। कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरे सिस्टम की बुराई होती है। मेरा बस एक ही संदेश है, जो आप जितने भी प्रशिक्षु गए हैं, नया वर्ड प्रशिक्षु, मतलब जो इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उन सब के लिए मैं बता रही हूँ, आपसे सिर्फ एक ही बात है, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से और अच्छे से कर लो। बात समझ में आ गई, ये आप आई कॉन्टेक्ट के साथ मुझे प्रॉमिस करो कि आप अच्छे से अपनी ड्यूटी करोगे। और ये जो कोविड टेस्ट हो रहा है, हो सकता है वैक्सीन लगे, तो
तो क्या लगता है आपको, आपने सबने लगवा ली या अभी नहीं लगवाई? अगर लगवा ली है तो मुझे बताओ। अगर बहुत सारे लोग, कुछ गर्ल्स मतलब ऐसे भी बोल रही थी क्या लगवाना ज़रूरी है, मेरे गांव में नहीं लगवाया, इस टाइप की बातें भी मैंने सुनी। आपको क्या लगता है, ये ठीक है या फिर क्या? बताओ मुझे कमेंट करके क्या लगवाना। वैसे तो लगवाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है, बाकी और कुछ वो ऐसा नहीं है, कुछ गलत नहीं है। गवर्नमेंट लगवा रही है, गवर्नमेंट कुछ गलत काम तो नहीं करेगी ना हमारे लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े जो अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, मैं उन सब के रिप्लाई भी देती हूँ। किसी को कोई डाउट होता है कुछ भी पढ़ाई किससे रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन, जैसे मुझे फुर्सत मिलती है मैं बिल्कुल करती हूँ। अभी देखो 10 मिनट का टाइम है ना, मैंने आपसे बात कर ली, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखें और वैक्सीन आप भी लगवा लें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ। मेरा स्टडी चैनल में पढ़ाती हूँ, आगे भी मुझे पढ़ाना है, बस थोड़ा सा शेड्यूल बन जाए। कल भी मैंने बोला था, लेकिन भैया अब मैं जैसे ही पढ़ने के लिए नहा धोके भाई सब बैठे हैं, मैंने सोचा कि अब चलो पढ़ाई करते हैं। अब ये है कोविड टेस्ट के लिए, चलो चलो शूज़ पहनो फटाफट। इस डिसिप्लिन में एक काम बहुत अच्छे से हो रहा है, क्या हर काम जल्दी 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 करना पड़ता है। आप भी फुर्ती से काम करें, एनर्जेटिक रहें और खुश रहें, सबसे बड़ी बात। आपको वो कभी सफ़र में, मतलब आपका जो सफ़र होता है वो ज़्यादा खूबसूरत होता है बजाय मंजिल के। तो सबसे बड़ी बात, आप कुछ भी काम करते हो, आप घर में हो, बेरोजगार हो, खेती में हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब सेंसिटिव मुद्दे हैं, लेकिन आप अपने अंदर से खुश रह सकते हैं तो वो खुश रहें। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को हैप्पी बनाए रखूँ, और हैप्पी बनाने के लिए मुझे किसी और अदर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे कोई मेरा फ्रेंड हो या कोई ग्रुप हो, बस मेरी बुक्स काफ़ी हैं और मैं अपने आप से अंदर से बहुत खुश रहती हूँ। ओके, सो बी हैप्पी, स्माइल करके दिखाओ। बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।